यू शुड स्टार्ट रीडिंग बाय न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स। आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अगर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, आप यूपीएससी वांट्स समबडी हु इज अवेयर, अवेयर जिसको दुनियादारी के बारे में पता हो, जिसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, आज इस कंट्री का उस कंट्री के साथ अगर इशू है तो किस कारण से है, क्या टॉपिक है इशू का, है ना। अगर हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर कोई इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्या चल रहा है, एक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस कारण से, उनकी डिमांड्स क्या हैं। अच्छा, अगर उनकी डिमांड्स सही है गलत है, आपका ओपिनियन तब बनेगा ना जब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी न्यूज़पेपर्स के थ्रू या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। न्यूज़ चैनल्स आई विल नॉट से वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि वहां पे डिस्कशन एंड वो सब बहुत अजीब तरीके से करा जाता है। तो रादर यू शुड ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, और राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी पे डिस्कशंस आती हैं, आप वो सुन सकते हैं, है ना। AIR ऑन इंडिया जो है हमारा, उसके ऊपर भी डिस्कशंस आती हैं, यू कैन लिसन टू दैट। सो उसमें आपको एफर्ट ही नहीं करना, आपके पास स्मार्टफोन है, यू जस्ट नीड टू गो ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी की डिस्कशन मिल जाए। आप अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशंस आती हैं, आप बस उन्हें ट्यून इन करें और सुन लें। सो दिस इज लाइक कि आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है उससे, क्योंकि वहां पे बहुत मीनिंगफुल डिस्कशंस आती हैं। सिमिलरली आप अपने पेरेंट्स या जो भी लर्नेड पीपल हैं आपके आसपास, उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे वुमेन इश्यूज हैं, जैसे कास्ट इश्यूज हैं। सो ये इन सब पे आपका ओपिनियन कैसे बनता है, जब आप डिस्कस करते हैं, जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो किताबें हैं, ऑफ कोर्स वो किताबों वाला पार्ट भी बहुत जरूरी है, उस पे भी हम आएंगे कि मतलब किस तरीके से अपनी एकेडमिक लाइफ को मैनेज करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स बीइंग अवेयर, अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। सो थोड़े से जागरूक हो जाए, थोड़े से अवेयर हो जाए, दिस इज द स्टार्टिंग। सो आप सबसे पहले ये करें।